मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम के सबसे बड़े खलनायक कैसा रहा टाइगर का अब तक का प्रोग्रेस कार्ड। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। कई साल से एक्टर संजय दत्त के साथ अपनी सुपरहिट मूवी खलनायक का सीक्वल बनाने का सपना देख रहे डायरेक्टर सुभाष घई शायद इस बार सफल हो जाएंगे, क्योंकि इस बार सीक्वल की योजना सुभाष नहीं बल्कि खुद संजय बना रहे हैं। सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक संजय ने खलनायक के सीक्वल की कहानी को अपने अनुसार सोचा है और सुभाष को बताया है। कहानी सुभाष को भी पसंद है, लेकिन अंतिम फैसला वो एक मुलाकात के बाद ही लेंगे। सुभाष के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि सीक्वल फिल्म को वो किसी और निर्देशक से बनवाएंगे। कई उथल पुथल के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक्टर जैकी श्रॉफ का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि उनके बेटे टाइगर श्रॉफ को इस फिल्म में लिया जाएगा। और जैसे पहले संजू बाबा ने अपने खलनायक वाले रूप को दुनिया के सामने इस तरीके से रखा था कि आज तक लोगों का फेवरेट खलनायक वही है, तो इसी तरह टाइगर श्रॉफ को भी शायद इसी रूप में पेश किया जाए, ताकि एक कलयुग का विलन या खलनायक कैसा होता है वो सबको पता चल सके। लेकिन इसके साथ संजय और टाइगर की केमिस्ट्री भी देखने वाली होगी, क्योंकि पार्ट वन में संजय और जैकी एक दूसरे के ऑपोजिट थे, लेकिन उनकी इस जोड़ी को भी इनके फैंस ने बहुत पसंद किया था। तो इस बार टाइगर को संजय के ऑपोजिट अगर दिखाया जाता है तो इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी होगी ये तो मूवी देखने पर ही पता चलेगा। सुभाष ने लगभग 4 साल पहले इस कहानी के आगे की कहानी सोची थी। ये कहानी डायरेक्टर सुभाष घई ने संजय से मिलकर उन्हें सुनाई भी थी, लेकिन संजय दत्त को कहानी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कुछ बेहतर कहानी लिखने के लिए कह दिया। अब संजय की कहानी के अनुसार इस फिल्म में बिल्कुल अलग कहानी होगी, जिसमें वो मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का किरदार एक एक्सटेंडेड कैमियो तक ही सीमित रखने वाले हैं और जैकी श्रॉफ की जगह फिल्म में टाइगर श्रॉफ होंगे और वो सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक भूमिका निभाएंगे। लेकिन सुभाष घई तो चाहते थे कि टाइगर फिल्म में अपने पिता जैकी की तरह एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाए, लेकिन संजय की सोच उन्हें एक खलनायक बनाने की है। पिछले साल रिलीज हुई फिल्म वॉर में टाइगर ऋतिक रोशन के साथ नजर आए थे और उन्होंने वहां एक खलनायक की ही भूमिका निभाई थी। संजय को टाइगर का काम पसंद आया, इसलिए उन्होंने टाइगर को खलनायक के सीक्वल में विलन बनाने का सोचा। इधर टाइगर को भी संजय का ये आइडिया काफी पसंद आया। हालांकि जब ये कहानी अपना फाइनल रूप ले लेगी तभी इन सभी एक्टर्स की एक्टिंग और इनकी भूमिकाएं हम देख पाएंगे। बाकी पार्ट टू की कहानी इसके पहले वाली कहानी से कितनी अलग होगी और कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी ये तो मूवी देखने पर ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज।